सब्सक्राइब कीजिए हिंदी बोलेगी चैनल को और दबा दीजिए इस घंटे को मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताएंगे कि गांव में जो किला होता है, जो एकड़ जमीन होती है, उस एक एकड़ जमीन में, उस एक किले में कितने मरले, कितने बीघे, कितने कनाल, कितने गज और कितने फुट होते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने इस पेज पे लिखा हुआ है, एक एकड़ में 160 मरले होते हैं, एक एकड़ जमीन में 8 कनाल जमीन होती है और एक एकड़ में 5 बीघा जमीन होती है। दोस्तों अब हम ये पता करेंगे कि एक कनाल में कितने मरले होते हैं, एक बीघा में कितने मरले होते हैं और एक मरला कितने वर्ग फुट का होता है। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने इस पेज पे लिखा हुआ है, एक कनाल में 20 मरले होते हैं क्योंकि एक एकड़ में 160 मरले होते हैं और एक एकड़ में 8 कनाल होते हैं, तो 160 बाई 8 मतलब 160 को हम 8 से भाग करेंगे तो एक कनाल जमीन में 20 मरले निकलेंगे, और एक बीघा में 160 बाई 5 क्योंकि एक एकड़ में 5 बीघा होती है, तो 160 बाई 5 मतलब 160 को हम 5 से भाग करते हैं तो एक बीघा में 32 मरले निकलते हैं। दोस्तों अब आप लोगों को यह समझना होगा कि एक मरला कितने स्क्वायर फुट का होता है, कितने वर्ग फुट का होता है। दोस्तों मान लो अगर मेरे पास 16.5 मतलब 16.5 फुट चौड़ाई की और 16.5 फुट लंबाई की जमीन हो, मतलब मेरे पास 16.5 गुणा में 16.5 एक चकोर जमीन हो, 16.5 गुणा में 16.5 फुट की एक चकोर जमीन हो तो उसको मैं एक मरला बोलूंगा। तो एक मरले में 16.5 गुणा में 16.5 272.25 वर्ग फुट होता है, मतलब एक मरला 272.25 वर्ग फुट का होता है। अब दोस्तों आप लोगों को यह पता चल जाएगा कि एक एकड़ में कितने वर्ग फुट होते हैं। अब आप लोगों को मैंने जैसे कि बताया था कि एक एकड़ में 160 मरले होते हैं और एक मरले में 272.5 वर्ग फुट होते हैं, तो एक एकड़ में 160 गुणा में 272.25 43,560 वर्ग फुट, मतलब एक एकड़ जमीन में आपके पास 43,560 वर्ग फुट जमीन होगी। अब दोस्तों हम आपको ये समझाएंगे कि एक एकड़ में कितने गज होते हैं। दोस्तों पहले तो गज समझ लीजिए कि गज क्या होता है। दोस्तों मान लो मेरे पास एक चकोर जमीन है 3 फुट चौड़ाई की और 3 फुट लंबाई की, तो मेरे पास 9 वर्ग फुट में एक गज होता है। अब मेरे पास एक एकड़ में मेरे पास 43,500 वर्ग फुट जमीन है और 43,560 वर्ग फुट को मैं 9 वर्ग फुट से भाग करता हूं तो मेरे पास 4840 गज निकलते हैं एक एकड़ में, तो मेरे पास एक एकड़ में 4840 गज होते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए किसी इंसान के पास 5 एकड़ जमीन है, तो मैं 5 को 4840 से गुणा करता हूं तो उसके पास 24,200 गज जमीन है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह जानकारी समझ आई होगी और पसंद आई होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यह तो पता होता है कि उनके पास कितनी एकड़ जमीन होती है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उनके पास कितनी गज जमीन है, कितनी वर्ग फुट जमीन है, इसलिए यह जानकारी उन लोगों के लिए बहुत जरूरी थी। आप लोगों से मेरी हाथ जोड़कर यही विनती है कि आप इस वीडियो को गाँव या शहर के हर एक इंसान तक जरूर पहुँचाएं। धन्यवाद।